हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल टेक्निकल व्यूज़ में। आज हम बनाने वाले हैं एक ऑडियो एम्पलीफायर, वो भी इस टीवी की प्लेट से। इस टीवी की प्लेट से आज हम एम्पलीफायर बनाएंगे। ये कोनिक टीवी की प्लेट है दोस्तों। मैंने इससे पहले वाली वीडियो में भी इसी प्लेट से एम्पलीफायर बनाया था। उसमें मैंने इसे सीधा 220 वोल्ट से चलाया था। अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो मेरे चैनल पर जाकर उस वीडियो को ज़रूर देखें आप। और आज की वीडियो में हम इसे डीसी करंट से चलाएंगे, मतलब चार्जर से या किसी भी बैटरी से आप इसे चला सकते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो। तो जैसा कि मैंने पहले वाली अपनी वीडियो में बताया था कि जो ये आईसी है, यहाँ पर TDA 2003 आईसी है। इसकी टोटल 5 पिन हैं। ये पहली पिन, ये दूसरी पीछे, ये तीसरी आगे, ये चौथी पीछे और ये पाँचवीं आगे। तो ये जो पाँचवीं पिन है, इसके इधर जो ये कैपेसिटर लगा हुआ है, एक इस कैपेसिटर की जो इधर की तरफ जो निशान बने हुए हैं, ये इसका नेगेटिव पॉइंट है और ये इधर पॉजिटिव पॉइंट। जो कैपेसिटर का जो नेगेटिव पॉइंट है, उस पर हमें ऑडियो पिन का पहला तार सोल्डिंग करना है। और जो आईसी की जो तीसरी पिन है, उस पर हमें ऑडियो पिन का दूसरा तार सोल्डिंग करना है। तो ये दोनों तार मैंने पिछली वीडियो में सोल्डिंग कर दिए थे दोस्तों। तो जैसा कि मैं आपको दिखाता हूँ, तो जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं, ये हमारी आईसी है। ये इसकी पहली, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, ये पांचवी। ये पांचों पिनें आपको यहाँ पर दिख रही होगी दोस्तों। और जो यहाँ पर कैपेसिटर लगा हुआ है, इस कैपेसिटर का ये पॉजिटिव पॉइंट है और ये नेगेटिव पॉइंट है दोस्तों। तो मैंने इस पर ये आईसी की तीसरी पिन और इस कैपेसिटर की नेगेटिव पिन पर, इन दोनों पर सोल्डिंग कर दिया है दोस्तों। ये दोनों ऑडियो पिन की हैं, ऑडियो पिन के वायर हैं दोनों। तो दोस्तों अब मैं बताता हूँ आपको कि आप इसे अब चार्जर से कैसे चलाएं, आपको उन दोनों के तार कहाँ पर सोल्डिंग करने हैं। दोस्तों जो इस आईसी की जो तीसरी पिन है और जो पहली पिन है, इन दोनों पर हमें चार्जर के तार सोल्डिंग कर देने हैं। जो ये पहली पिन है आईसी की, इस पर पॉजिटिव, और ये जो दूसरी पिन है उस पर नेगेटिव पिन हमें सोल्डिंग करनी है। जैसा कि दोस्तों आप डायग्राम में देख सकते हैं, तो जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं, मैंने बताया था ये इसकी पहली पिन, दूसरी, तीसरी, चौथी और ये पांचवी पिन। तो जो पांचवी पिन है, उसके पास एक कैपेसिटर है, इसका नेगेटिव पॉइंट और इस आईसी की तीसरी पिन, ये जाएगी अपने ऑडियो पिन, ये ऑडियो पिन है दोस्तों। और जो इस आईसी की तीसरी पिन और जो पहली पिन है, इसमें हम पावर सप्लाई देंगे दोस्तों, डीसी पावर सप्लाई देंगे। ये इसका प्लस पॉइंट और ये जो तीसरी पिन है, ये इसका नेगेटिव वाला पॉइंट। तो अब मैं आपको हमारी मदरबोर्ड में सोल्डिंग करके दिखाता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, मैंने इसकी सोल्डिंग कर दी है। ये इसका पहली पिन, ये तीसरी पिन और ये कैपेसिटर का नेगेटिव पॉइंट। तो मैंने तीनों दो जगह पर पहले ही सोल्डिंग हो रही थी, ये तार भी मैंने यहाँ पर सोल्डिंग कर दिया है दोस्तों। तो मैं आपको इससे चला करके दिखाता हूँ। तो देखिए दोस्तों, मैंने इसके तार लगा दिए हैं, ये चार्ज का पॉजिटिव पॉइंट और ये चार्ज का नेगेटिव पॉइंट। दोस्तों मैं इसे 10 वोल्ट से चलाऊँगा। मैंने इसमें दो चार्जर लगाए हैं क्योंकि 5 वोल्ट से चलाने पर इसमें आवाज़ साफ नहीं आती। आप 5 वोल्ट से चला सकते हैं लेकिन उसमें आवाज़ साफ नहीं आती है। तो मैं आपको अभी से चला करके दिखाता हूँ दोस्तों। देखिए मैं आवाज़ बढ़ाता हूँ इसका। देखिए दोस्तों, दोस्तों आपने देखा ये बिल्कुल अच्छी तरह से काम कर रहा था। और हमारा एम्पलीफायर बहुत अच्छा एम्पलीफायर है दोस्तों, आप इसे घर पर आसानी से बना सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और जो मैंने पहले वाला वीडियो बनाया था, उसे ज़रूर जाकर आप मेरे चैनल पर देखें। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।